जा रहा है बिना लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी कड़ी पकौड़े की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम पकौड़ों का एक बैटर बना लेते हैं। मैंने लिया इसमें 3 से 4 चम्मच, मैं ले लेती हूँ बेसन, ये नॉर्मल बेसन है, मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हल्दी बहुत ज़रा सी, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत ज़रा सी लाल मिर्ची और 1 पिंच हींग। और सबसे ज़रूरी, हम इसमें बेकिंग पाउडर का भी यूज़ नहीं करेंगे अपने पकौड़ों को सॉफ्ट करने के लिए। इसमें मैं डालूंगी एक ऐसी चीज़ जिससे पकौड़े हमारे बहुत टेस्टी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच दही। आप एक बार दही डाल के देखना, इसका जो टेस्ट है और इसमें हल्का सा खट्टापन रहता है ना, उससे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें गांठ ना पड़े, बैटर अच्छे से 5 मिनट हमें घोलना है। और थोड़ा सा मेरी आवाज़ की आपको प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मेरी आजकल तबीयत सही नहीं चल रही है, इसीलिए मेरी कई दिन से रेसिपी भी नहीं आ पाई थी। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। 5 मिनट हमें इसी तरह से फेंटना है इसको, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, बस हमें इसे फेंट लेते हैं अच्छे से। जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे हमारे पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो मैं फेंट लेती हूँ। देखिए हमारा जो बैटर है इस तरह का बन के तैयार हो गया है और मैंने इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं कढ़ी के लिए घोल। बनाने के लिए मैंने ले लिया एक बड़ा बर्तन और इसमें मैं डाल दूँगी लगभग 2 से 3 चम्मच बेसन, ज़्यादा नहीं, 3 चम्मच बेसन डाल देती हूँ मैं इसमें। और इसमें मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास 400 ग्राम के करीब दही है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही है, मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा खट्टा है, तो कम भी कर सकते हैं, जितनी खट्टी आपको कढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेसन मैं मान के चलूँ तो 100 ग्राम के करीब मेरा बेसन होगा। अब इसी समय मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ। मैं ले लेती हूँ इसमें 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च जितना हमें तीखा चाहिए, और हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसे बिना पानी डाले बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले से, जिससे कि जो गांठें हैं वो पूरी तरह से निकल जाए। तो मैं पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा जो बेसन है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारा जिसमें हमने दही निकाला था इसी में हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी, लगभग 1 गिलास के करीब, और इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि इसे भी हमें वेस्ट नहीं करना, पूरी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और इसमें लगभग हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से कि एक साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि कढ़ी हमारी पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। जितनी अच्छे से कढ़ी पकती है उतना अच्छा टेस्ट आता है। और हमेशा हम लोगों को लगता है ना कि बिना लहसुन प्याज की कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी, तो आज आप बहुत सिंपल है ये बनाना, एकदम झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसमें ज़्यादा चीज़ों का यूज़ भी नहीं होता। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने टोटल लगभग 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर लिया होगा। अब ये देखिए इस तरह का हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। अब बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम पकौड़े के बैटर में डाल लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि मैंने नमक पहले इसमें ऐड नहीं करा था, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बैटर इतने से पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पकौड़े उतने अच्छे नहीं बन के तैयार होंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और इसे अच्छे से मैंने गरम कर लिया था जिससे इसका पूरा वो जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है वो निकल जाए। अब हम इसमें पहले तल लेते हैं पुए अपने, कुछ जगह पुए भी बोलते हैं, कुछ पकौड़ी भी बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो बेसन के पुए भी बोलते हैं इसको। अब इसमें जितने बड़े साइज़ के आपको चाहिए उतने उतने हम डाल देते हैं। और फ्लेम मैंने इसकी अभी लो कर रखी है क्योंकि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, और हम इसमें छोटे छोटे डाल देते हैं सब इस तरह से पकौड़ी इसकी, ये देखिए। और ये बहुत आसान है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से मैं सब डाल देती हूँ।
अब ये देखिए हमने इस तरह से इनको चला देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और कितने फूले फूले मैंने बहुत छोटे छोटे डाले थे, तब भी बहुत फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं। तो मैं अच्छे से फ्राई करके निकल, जब इन पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा ना तब हमें निकालना है। और इन्हें मीडियम आंच पे ही हमें फ्राई करना है जिससे कि अंदर से भी ये पूरी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसमें जो बाकी ऑयल है ना उसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बाकी ऑयल भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें छोड़ दिया है सिर्फ लगभग 2 चम्मच के करीब ऑयल, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच मेथी दाना, ज़्यादा नहीं क्योंकि उससे फिर कड़वापन आ जाता है। और थोड़ी सी 1/2 चम्मच के करीब राई, 1/2 चम्मच जीरा और बहुत जरा सी हींग, और इनको भून लेते हैं। और ज़्यादा हमें इसमें समय मसाले या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमने ये जो कढ़ी का घोल बना के तैयार करा था ये डाल देते हैं। एक साथ नहीं डालेंगे, एकदम से छींटे आएंगी थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं पूरा डाल देती हूँ इसे। और अब हमें तब तक इसे चलाना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता, नहीं तो हमारी जो कढ़ी है ना वो फट जाएगी। अब फिर आप सोचेंगे कि बताया नहीं कि कढ़ी फट गई, तो कढ़ी का हमेशा ये ध्यान रखें कि जब तक ये उबलती नहीं है तब तक हमें लगातार चलाते रहना है इसे। ये जो कढ़ी है वो उबलने वाली है बिल्कुल, ये देखिए इस तरह की। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करा था। और दूसरा अब हम इसे लगभग 1/2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे हमारी जो कढ़ी है ना वो अच्छे से कड़ जाए, तभी तो कढ़ी कहते हैं ना, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए अभी बहुत पतली लग रही होगी आपको। और अब इसकी फ्लेम हम जब इसमें उबाल आ जाएगा ना फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो, लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देंगे। 1/2 घंटा तो मिनिमम आप इसे छोड़ ही दें तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो फिर वो जल्दी जल्दी बनाएंगे वो तो फिर दाल की तरह बन जाएगी। तो मैं अब ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसकी फ्लेम कर दूंगी बंद, मतलब बंद नहीं सॉरी कम, पहले एक उबाल आने देती हूँ अच्छे से। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना उबल रहा है, तो अब हम इसकी फ्लेम कर देते हैं लो, और लो फ्लेम पे अच्छे से इसे पकने देते हैं। ये हमारा 1/2 घंटे से ज़्यादा हो गया है हमारी कढ़ी को पकते हुए, ये इतना थी ऊपर तक और ये करते करते नहीं रह गई है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट करके तैयार हो गई है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और एक इसके लिए बहुत अच्छा तड़का तैयार करते हैं। उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया जरा सा, और अब मैं इसके लिए तड़का बना लेती हूँ क्योंकि उस तड़के के बिना इस कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो फीका रहेगा, वो ज़रूरी है। और थोड़ा सा मेरी आवाज़ को प्लीज़ आज मैनेज कर लेना क्योंकि मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है और आवाज़ क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज के लिए थोड़ा सा मैनेज करना इस चीज़ को। हम तड़का बनाने के लिए मैंने एक तड़का पैन में ले लिया 2 चम्मच ऑयल, इसे अच्छे से गर्म कर लिया। इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और 2 लाल मिर्च, ये साबुत वाली ये डाल दिए। अब पहले हम इनको अच्छे से भून लेते हैं पहले इस तरह से, और इस तड़के से इस कढ़ी की ना पूरी जान आ जाती है, इसके बिना बिल्कुल अधूरा लगता है। अब हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और अब इस तड़के को हम अपनी कढ़ी में डाल देते हैं। अब ये देखिए कढ़ी पकौड़ा बनके तैयार है। एक बार जरूर ट्राई करें, ये बिना लहसुन बिना प्याज की बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये कढ़ी अच्छी लगे, इसका बनाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।